हे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की, सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु अर्जन साहिब जी की, पंडित गंगाराम के वरदान से मूलचंद का जन्म। पंडित गंगाराम जो सिद्धियों प्राप्त करके अपने गांव रहते थे, उसकी स्नान पानी आदि की सेवा भटिंडे नगर का रहने वाले भाई सिद्धिचंद बड़े प्रेम से करता रहता था। धन गुरु नानक। एक दिन उसकी सेवा पर खुश होकर गंगाराम ने सिद्धिचंद को कहा कि तुम किस मनोरथ के लिए सेवा करते हो, जो इच्छा है मांग लो। सिद्धिचंद ने कहा, महाराज मुझे पुत्र का वरदान बख्शो। पंडित गंगाराम ने कहा कि गुरु घर की कृपा से तेरे घर बड़ा भक्त पुत्र होगा, जो कि महान गुरु शक्तिवान और परोपकारी होगा। इस लड़के के सिर पर जन्म समय ही सफ़ेद बालों की चोटी होगी। धन गुरु नानक। यह वरदान लेकर सिद्धिचंद बहुत खुश हुआ। जब समय पाकर उसके घर ऐसा पुत्र पैदा हुआ तो पंडित गंगाराम ने उसका नाम मूलचंद रखा। धन गुरु नानक। यह मूलचंद बड़ी करनी वाला हुआ, जिसको बड़े सिद्ध पुरुष भी मानते थे। पटियाला राज्य के सुनाम नगर में इस स्थान को लोग आज तक भी पूछते हैं। धन गुरु नानक। हरमंदिर की उसारी। जब सरोवर की कार सेवा संपूर्ण हो गई तो गुरुजी ने भाई बुड्ढा, भाई गुरदास, भगत बहिलो आदि से सलाह करके कड़ा प्रसाद की देख तैयार करके सरोवर के बीच हरमंदिर की नींव रखने के लिए भाई बुड्ढा जी से 4 गुरु साहेब का नाम लेकर अरदास कराई और फिर अपने कर कमलों से एक ईंट पकड़कर नींव रखकर कड़ा प्रसाद की देख बांटने की आज्ञा दी। तदुपरांत सभी लोग बड़े उत्साह से सेवा में लग गए। धन गुरु नानक। विष्णु भगवान मनुष्य का रूप धारण करके कार सेवा करने आए। जब असंख्य सिख कार सेवा कर रहे थे तो उस समय गुरुजी दुख भंजनी बेरी के नज़दीक 68 तीर्थ के स्थान पर बैठकर देख रहे थे। एक दिन विष्णु भगवान जी देवताओं सहित मानव रूप धारण करके सेवा करने आए। कोई देवता मिट्टी की टोकरियां भरता व कोई उठाकर बाहर ले जा रहा था। विष्णु भगवान की टोकरी उसके सिर से एक बालिश भर ऊंची जाती। देखकर सिखों ने गुरुजी को बताया कि महाराज एक नए ही रंग रूप का मनुष्य है, जिसके सिर पर मिट्टी की टोकरी बालिक्षत भर ऊंची रहती है, उसके साथी और वह अब बड़ी स्फूर्ति से दौड़ दौड़ कर कार सेवा कर रहे हैं। धन गुरु नानक। गुरुजी ने सिखों से यह वार्ता सुनकर जब आप आकर उनके दर्शन किए तो आप जी ने विष्णु भगवान के प्रार्थनाएं यह शब्द उच्चरित किए। सुही महला पंजवा, संता के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। धरती सुहावी तल सुहावा, विच अमृत जल छैया राम। अमृत जल छैया पूरन साज कराया, सगले मनोरथ पूरे जे जे करू भाइया। जग अंतरी लाथे सगले विसूरे, पूरन पुरख अचूत अविनाशी। जस वेद पुरानी गाया, अपना बिरध रखिया परमेश्वर। नानक नाम दिराया। अपनी
यह महिमा सुनकर विष्णु भगवान जी ने आशीर्वाद दिया कि यह मेरा सबसे श्रेष्ठ मंदिर होगा, यह सदा ही मेरे नाम का कीर्तन प्रवाह चलता रहेगा। इस प्रकार वरदान और वचन करके विष्णु जी अलोप हो गए। धन गुरु नानक। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।